इस फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट के एंड से दिखाया जाता है, जहां पर सुपरमैन जनरल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में अर्थ में काफी ज्यादा तबाही होती है। वहीं पर हम बैटमैन को देखते हैं, जिसे भी इस वो के बारे में राब्ता हो गया था। इसी वजह से वो अपने कंपनी में फोन करके सारे एम्प्लॉयज को जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकलने का कहता है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता है तब तक काफी ज्यादा देर हो गई होती है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही ढह गई होती है, जिसमें ब्रूस के कंपनी के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट से बैटमैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसके साथ ही उसे सुपरमैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसी की वजह से ही काफी सारे लोग मारे गए होते हैं। सीन यहाँ से कट होकर 18 महीने बाद का दिखाया जाता है। काफी सारे लोग होते हैं जो कि सुपरमैन के काम से काफी ज्यादा खुश थे, इसी वजह से वो उसे अपना हीरो मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सुपरमैन को अर्थ के लिए डेंजर मानते थे। अब क्योंकि सुपरमैन दूसरे प्लैनेट से था, इसी वजह से उन्हें लगता था कि किसी भी एलियन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले ही उस एलियन ने हमारी कितनी ही हेल्प क्यों न की हो। इधर हम सी में कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें पानी में काफी अजीब सी चीज मिलती है, इसी वजह से वो उस मटेरियल को बाहर ले आते हैं और चेक करने पर उन्हें क्रिप्टन ग्रह से आया हुआ ग्रीन मटेरियल नजर आता है। असल में ये टुकड़ा उसी मशीन का होता है, जिस मशीन के जरिए जनरल अर्थ का एनवियम अपने ग्रह जैसा करना चाहता था। सीन चेंज होकर कुछ ऑफिसर्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उन ऑफिसर्स को एक प्लेस पर काफी सारे लोग नजर आते हैं जिन्हें यहाँ पर कैद करके टॉर्चर किया करता था। इधर बैटमैन को कुछ और इन्वेस्टिगेशन से राब्ता होता है कि गन और वेपन्स सप्लाई करने वाला एक बहुत ही बड़ा डीलर किसी बड़े साइंटिस्ट से बहुत ही बड़ी डील कर रहा होता है। इधर साइंटिस्ट सेनेटर को अपने प्लेस पर बुलाता है और कुछ देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद वो सेनेटर को वही ग्रीन मटेरियल दिखाता है जो कि सी में आकर गिरा था। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस एलिमेंट पर काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और अब जाकर हम सबके पास ऐसा वेपन है जिससे हम सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं। सुपरमैन ने भले ही कितने ही सारे लोगों को बचाया हो, लेकिन वो है तो एक एलियन ही। इसी वजह से जब भी सुपरमैन इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करेगा तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। सुपरमैन को खत्म करने में ये एलिमेंट पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि मैंने इसे जनरल की बॉडी पर भी टेस्ट करके देखा था। सेनेटर उस साइंटिस्ट के इस काम से काफी ज्यादा खुश होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि सी में कुछ लोगों को काफी अजीब सी मिली है जिसके अंदर भी यही एलिमेंट है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम उस एलिमेंट को अपने कंट्री में इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि सेनेटर काफी ज्यादा खुश थी, इसी वजह से वो उसे मना नहीं कर पाती है। इधर बैटमैन यानी ब्रूस को भी उस साइंटिस्ट पर भी शक हो जाता है कि वो साइंटिस्ट कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट के साथ साथ जनरल की डेड बॉडी को भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पास रख लिया था, वो भी बिना किसी परमिशन के। इसी वजह से बैटमैन उस पार्टी में जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग आए होते हैं। अब क्योंकि ब्रूस इस पूरे वाक्य को समझना चाहता था, इसी वजह से वो उस साइंटिस्ट के कंप्यूटर का सारा डेटा कॉपी करने लगता है। अब क्योंकि इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इसी वजह से ब्रूस बाहर जाकर उस साइंटिस्ट के बारे में और भी ज्यादा पता लगाने की कोशिश करने लगता है। बाद में जब वो पेनड्राइव को लेने आता है तब उसे वहां पर पेनड्राइव कहीं भी नहीं मिलती है। तब हम वहां पर एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है वंडर वुमन। वंडर वुमन ब्रूस की नजरों से पेनड्राइव को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन ब्रूस भी बैटमैन था, इस वजह से वो उस तक पहुंच जाता है और वो वंडर वुमन से उस पेनड्राइव को मांगता है जिसमें उसने उस साइंटिस्ट के कंप्यूटर से डेटा को कॉपी किया था। वंडर वुमन उसे वो पेनड्राइव दे देती है। बाद में बैटमैन उस ड्राइव को लगाकर कॉपी किए हुए डेटा को देखने लगता है। उसे पता लगता है कि बहुत ही जल्द क्रिप्टन का काफी बड़ा भंडार उस साइंटिस्ट के पास आने वाला है, जिससे वो बहुत सारे वेपन्स को बनाकर सुपरमैन को खत्म करना चाहता है। इसी वजह से बैटमैन उस एलिमेंट को स्टील करने का डिसाइड करता है, ताकि जब उसे लगे कि सुपरमैन अर्थ के लिए खतरा है,
तब वो सुपरमैन को खत्म कर सके। उसी रात को ये लोग उस एलिमेंट को साइंटिस्ट के पास ले जा रहे होते हैं। तब दरमियान में ही बैटमैन भी उस कार का पीछा करने लगता है ताकि वो उस एलिमेंट को हासिल कर सके, लेकिन सडनली उसकी कार के सामने सुपरमैन आ जाता है उसे रोकने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जैसे बैटमैन ने पहले काफी सारे लोगों को सजा दी थी वैसे ही वो दोबारा से करने वाला है। इसी वजह से वो बैटमैन को ये सब कुछ बंद करने का कहता है और दोबारा किसी भी मुलजिम को सजा देने का भी। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इधर साइंटिस्ट उस एलिमेंट को पाकर काफी ज्यादा खुश होता है। इधर सेनेटर सुपरमैन को कोर्ट में पेश होने का कहती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि सुपरमैन की वजह से ही काफी सारे लोग मारे गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती उससे पहले ही वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट का सारा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन पर ही डाल दिया जाता है, क्योंकि वो एक एलियन था, इसी वजह से किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इस हमले के बाद सुपरमैन को भी किसी ने भी नहीं देखा था। इधर बैटमैन को भी इस न्यूज के बारे में पता लग जाता है, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सुपरमैन को खत्म कर देगा। इधर साइंटिस्ट जब अपने ऑफिस जाते हैं तब उसे वहां पर वो एलिमेंट कहीं पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसे तो बैटमैन ने हासिल कर लिया था। इधर वंडर वुमन को ब्रूस ने कुछ वीडियोस भेजे थे, वो उससे पूछता है कि ये फोटोग्राफ तो तुम्हारा है और ये तो काफी ज्यादा पुराना है, इतने वक्त तक किसी भी शख्स का वैसे के वैसे ही दिखना आम बात नहीं हो सकती है। बाद में जब वो दूसरा वीडियो ओपन करती है तो उसे साइबॉक मिलता है जो कि आधा इंसान और आधा मशीन था। दूसरा शख्स काफी ज्यादा तेज भाग सकता था और तीसरा शख्स सीका किंग होता है। ब्रूस बताता है कि इन सब का डेटा मुझे उसी साइंटिस्ट के कंप्यूटर से बरामद हुआ है। इधर साइंटिस्ट सुपरमैन की फ्रेंड और उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है। इसी वजह से सुपरमैन अपनी फैमिली और फ्रेंड को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। तब साइंटिस्ट उससे कहता है कि अगर तुम अपने चाहने वालों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें बैटमैन को मेरे पास लेकर आना होगा। इसी वजह से न चाहते हुए भी सुपरमैन को साइंटिस्ट की बात माननी पड़ती है। बाद में वो बैटमैन के पास जाता है जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन बैटमैन यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा था, इसी वजह से बैटमैन उस एलिमेंट का यूज सुपरमैन पर करता है, जिस वजह से सुपरमैन काफी ज्यादा वीक हो जाता है और अब वो बैटमैन से हारता हुआ नजर आ रहा था। बाद में जब बैटमैन उस एलिमेंट से उसे मारने वाला था तब सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे मारने से पहले तुम मेरी मॉम को बचा लो। ये सुनकर बैटमैन रुक जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। इतनी ही देर में सुपरमैन की फ्रेंड आ जाती है और वो उसे सारी बातें राबता कर देती है, और अब बैटमैन को भी पता लग जाता है कि असल में उन दोनों को आपस में लड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट ही है। इसी वजह से बैटमैन वहां पर जाता है और वो साइंटिस्ट के लोगों पर अटैक कर उसकी मॉम को छुड़वा लेता है। इधर साइंटिस्ट जनरल की बॉडी में क्रिप्टन को डाल देता है, जिस वजह से जनरल काफी ज्यादा पावरफुल होकर वापस से अलाइव हो जाता है, जिससे उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते, लेकिन जनरल काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से वो यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। इधर ऑफिसर भी समझ जाते हैं कि सुपरमैन इस फाइट में नहीं जीत पाएगा, इसी वजह से वो उस पर काफी पावरफुल मिसाइल छोड़ देते हैं। सुपरमैन को जब इस बारे में पता लगता है तो वो जनरल को लेकर स्पेस में आ जाता है, लेकिन जब मिसाइल उनसे टकराती है तो सुपरमैन इसमें मारा जाता है जबकि उसे कुछ भी नहीं होता है। बाद में बैटमैन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो भी यहां पर हारता हुआ नजर आ रहा था। इधर स्पेस में सुपरमैन पर सन की रोशनी पड़ने ही वो वापस से अलाइव हो जाता है और अब वो भी फाइट में शामिल हो जाता है, और अब वो दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अब भी वो हार रहे थे। इतनी ही देर में वंडर वुमन भी उनकी हेल्प करने वहां आ जाती है, और अब ये तीनों एक साथ उस पर अटैक करते हैं जिस वजह से वो यहां पर हारते हुए नजर आ रहा था। और बाद में सुपरमैन क्रिप्टन से उस पर अटैक कर देता है
जिस वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। बाद में ये लोग सुपरमैन का फ्यूनरल भी करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।